अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नया दौर। मैं हूँ हसन इफ्तिखार, प्रोग्राम का नाम है आपका हल्का। नाजिन, आज हम जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट राजनपुर में। तीन कौमी असम्बली की सीटें हैं, पांच सूबाई असम्बली की सीटें हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली हम जानना चाहेंगे कि इस वक्त राजनपुर की जो नॉर्मल सियासत है वो क्या है। 2018 के अंदर मैं आपको बताता चलूँ, पूरा का पूरा राजनपुर डिस्ट्रिक्ट जो है वो पीटीआई ने क्लीन स्वीप किया था। तीनों कौमी असम्बली की सीटें और पांचों सूबाई असम्बली की सीटें जो थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स ने ली। राजनपुर के अंदर तीन बड़े नाम आपको सुनने को मिलेंगे बरादरी के हिसाब से जो है। एक तो वहाँ के राजनपुर के जो मजारी हैं वो हैं, वो बहुत स्ट्रांग। फिर राजनपुर के दरेशक्स हैं और उसके बाद राजनपुर के कुछ हिस्से के अंदर आपको लगारी भी नजर आएंगे। तीनों जो हैं इनके जो स्ट्रांग कैंडिडेट्स थे 2018 के अंदर, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से इलेक्शन लड़े। इनमें से कई जो हैं उससे बेशतर उससे पहले जो टाइम था उसके अंदर मुस्लिम लीग नून के MNA और MP रह चुके हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातें बदल चुके हैं। 2018 का जब इलेक्शन होना था तो उससे कुछ अर्सा पहले ही जनूबी पंजाब महाज के नाम से, जनूबी पंजाब सूबा महाज के नाम से एक ग्रुप प्रेशर का बनाया गया, जिसमें बहुत सारे लोग मुस्लिम लीग नून छोड़कर गए और उसके अंदर जो बहुत सारे लोग थे फिर उनको बाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट्स मिली। राजनपुर में ज्यादातर टिकट्स उन्हीं लोगों को मिली। मैं आपको बताता चलूँ, जो वो NA 193 है वहाँ सरदार जाफर लगारी साहब जीते, तकरीबन 80,000 उन्होंने वोट लिए, 25,000 के करीब की उनकी लीड थी। दूसरे नंबर पे आने वाले जो कैंडिडेट थे उनके साथ दूसरे जो है 194 वहां से जीते सरदार नसरुल्ला दरेशक साहब। बहुत पुराना नाम है पाकिस्तान की सियासत का, बहुत अरसे से सियासत कर रहे हैं और ऑब्वियसली इस बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर MNA मुंतखब हुए। तकरीबन 9,000 की लीड थी उनकी। और फिर है NA 195 जहाँ से रियाज महमूद मजारी साहब जीते, 90,000 वोट उन्होंने लिए और तकरीबन 22,000 की उनकी लीड थी। ये जो NA 195 के सरदार रियाज महमूद मजारी साहब हैं, ये 2022 के अंदर जब खान साहब की हुकूमत के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस का मूव आया तो ये उस ग्रुप का हिस्सा बन गए हुए हैं जो राजा रियाज की सरबराही में डिसिडेंट ग्रुप है PTI का और कौमी असम्बली के अंदर मौजूद है। इसके नीचे की जो पांच सीटें थी सूबाई असम्बली की, वो सारी जिस तरह मैंने आपको बताया PTI जीती। दो जो थे उनमें सूबाई वजीर रहे तकरीबन 4 साल के लिए, मोहसिन लगारी साहब और हसनैन बहादुर दरेशक साहब, दोनों इस वक्त भी वजीर हैं। एक जो है वो पहले लाइफ स्टॉक के वजीर थे, अब वो और चीज के वजीर है, एक अभी जो वजीर खजाना है पंजाब के। तो ऑब्वियसली इनको जगह मिलती रही। और फिर हम दोस्त मजारी साहब का बात भी करेंगे, वो भी पंजाब की जो सूबाई असेंबली थी उसके डिप्टी स्पीकर रहे तकरीबन 3.5 साल। ऑब्वियसली इस वक्त उनके जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुकात हैं वो उस तरह के नहीं हैं जिस तरह के कुछ अर्सा पहले तक होते थे। तो इस पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या आने वाले इंतखाबात में यही होगा, सब कुछ रिपीट होगा या कोई तब्दीली आएगी, इस सबको डिस्कस करने के लिए आज मैंने प्रोग्राम में दावत दी है माजिद निजामी साहब को। बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर प्रोड्यूसर हैं जियो के अंदर, जंग अखबार के लिए भी लिखते रहते हैं। आप सब लोग शायद इनके बारे में बहुत सारी ऐसी बातें नहीं जानते कि इनका बहुत सारा ऐसा काम जो है वो आपने पढ़ा जरूर होगा, छपा हुआ देखा होगा, लेकिन शायद इनकी चूंकि बायलाइन के साथ नहीं छपता तो आपको पता नहीं होगा। माजिद साहब जो है वो एक पूरी अथॉरिटी है, मेरा ख्याल है हमारी जो जनरेशन है उसके अंदर। अगर आप पूछें, कोई मेरे से पूछें कि भाई हसन आप बताएं, एक आदमी जो के लाहौर में बैठा मुझे पूरे पाकिस्तान के हलकों के बारे में बता देगा तो वो माजिद भाई होंगे। तो माजिद भाई वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया भाईजान, आपका तारीफें थोड़ी आपने ज्यादा कर दी है। मेरा ख्याल है माजिद मेरे मेरे भाई इम्तिहान में डाल देखें दिया आपने। देखें, मैं जो है ना टैलेंट उसके बारे में लोगों को पता चलता रहना चाहिए। सोशल मीडिया की दुनिया में जो ज्यादा लोगों का शोर होता है ना वो ज्यादा मशहूर हो जाते हैं, असल जो हीरे होते हैं ना वो बेचारे छुपे रहते हैं। चले हम शुरू करते हैं माजिद भाई। 2018 राजनपुर, तीन कौमी असेंबली की सीटें, पांचों सूबाई असेंबली की सीटें, PTI वेव चल रही है, जनूबी सूबा महाज बना हुआ है, फिर वो PTI के अंदर जम हो जाता है, हमें समझ आती है। 2022 है, वहां पे सैलाब ने भी काफी डिस्टर्बेंसेस की हैं। आपके ख्याल है कि इस वक्त PTI की जो तीन हलकों की सूरत हाल हम एक एक करके भी डिस्कस करेंगे, लेकिन जनरली जो हलका है राजनपुर पूरा डिस्ट्रिक्ट, उसमें कोई तब्दीली नजर आ रही है आपको कि वही 2018 वाला काम होता नजर आ रहा है? जी, राजनपुर की जो सिचुएशन है वो खासी चेंज हो गई है। उसकी वजह ये है कि उसमें जो एक बड़ी तब्दीली आई है वो ये है कि जो PMLN के बड़े करीबी लेजिस्लेटर थे आतिफ मजारी, उनके मर्डर के बाद वहाँ का जो मजारी ग्रुप है वो खासा तब्दील हो गया। और अभी रिसेंट जो चेंज आई है राजनपुर में वो ये है कि वो जो आतिफ मजारी ग्रुप जो मुस्लिम लीग नून की तरफ से था, MPA की सीटों पे भी और MNA की सीटों पे भी, और रियाज मजारी के मुकाबले में उनके दामाद जो थे खिजर मजारी, उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया था।
वो उनके जो आतिफ मजारी के भाई हैं, शमशेर मजारी जो कश्मीर वाली साइड पे होते हैं, ये सारे लोग जो हैं ये तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। तो ये पीएलएन को एक बहुत बड़ा सेटबैक है। और इसमें मैं आपको बताता चलूं कि इसकी थोड़ी एक बैकग्राउंड भी है। वो ये बैकग्राउंड है कि जो ये वाला मजारी ग्रुप है, इसमें सबसे पहले सरदार आशिक मजारी होते थे, जो शेरी रहमान, सॉरी, जो डॉक्टर शेरी मजारी हैं, उनके वाले थे। फिर ये हुआ कि उनके बाद कॉन्स्टिट्यूंसी वहां की संभाली इनके जो बहनोई हैं, सरदार शौकत मजारी, जिनका इंतकाल हो गया था पंजाब असम्बली में, उन्होंने। फिर उनके इंतकाल के बाद आतिफ मजारी आए। तो ये वो जो दूसरे मजारी हैं उनसे थोड़ा सा ये डिफरेंट एक ग्रुप है। रिश्तेदारियां तो इनकी हैं एक कबीले की बुनियाद पे, लेकिन ये दूसरा ग्रुप वहां पे माना जाता है। तो अब इसके अंदर खासी एफर्ट्स शामिल हैं डॉक्टर शीरी मजारी की, और उन्होंने ये जो उनकी साइड का जो ग्रुप था, जो तहरीक इंसाफ से दूर था, उसको भी इन्होंने अपनी कोशिशों से शामिल करवा लिया। दूसरा ये है कि जो आतिफ मजारी के बाद से सिचुएशन खासी चेंज हो गई थी, और दूसरा ये है कि दोस्त मोहम्मद मजारी जो हैं उनके बारे में अभी लग रहा है कि शायद वो अगला इलेक्शन तहरीक इंसाफ से ना लड़ें, क्योंकि तलखियां काफी बढ़ गई हैं। तो वहां पे राजनपुर, वो उनकी जो कौमी असेंबली की सीट पर रियाज महमूद साहब हैं, वो तो डिसिडेंट ग्रुप में है ना, पीटीआई के, जो इस वक्त राजा रियाज साहब की सरबराई में कौमी असेंबली के अंदर मौजूद है। तो इसका वो ये इस तरह फील हो रहा है कि शायद वो भी हट रहे हैं। तो ये एक ही ग्रुप है ना, ये दोस्त मजारी का और वो जो उनके एमएनए हैं उनका। ये वाला ग्रुप एक ही है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो इस टाइम एमएनए हैं रियाज मजारी, इन्होंने शेरी मजारी के जो वालिद हैं उनको 85 में हराया था। तो ये इनकी राइवलरी उस वक्त से चल रही है 30-40 साल से। तो अब इंटर चूंकि मजारी राइवलरी जो इंटर, इंटर बिल्कुल, ट्राइबल अब हुआ ये है कि चूंकि ये वाले मजारी नाराज हो गए तहरीक इंसाफ से, तो ये साउथ पंजाब पूरे में आपको स्पेशली ये देखने को मिलेगा कि ग्रुप्स होते हैं। एक ग्रुप अगर कहीं किसी पार्टी से निकल रहा है या उसकी कोई नाराजगी हो गई है, तो दूसरा ग्रुप फौरन छलांग मार के जो है वो उधर जाता है। उसकी वजह ये है कि उनके लिए और ऑप्शन कोई नहीं होती। अब चूंकि दोस्त मजारी और रियाज मजारी वाला, ये लोकल धड़े बढ़िया है बिल्कुल, भाई। ये दो, अब ये वाला जो ग्रुप है ये थोड़ा सा साइड पे हुआ है, तो जो दूसरा ग्रुप है आतिफ मजारी ग्रुप, जो कि बड़े हार्ड कोर पीएमएलएन के थे, उनके मर्डर के बाद फिर अब वो ग्रुप दूसरी तरफ चला। हार्डकोर थे तो 2018 के अंदर मुस्लिम लीग नून के टिकट पर लड़े। एक ही कौमी असेंबली की सीट थी जिन पे जो आतिफ मजारी साहब के रिश्तेदार हैं वो लड़ रहे थे नून के टिकट पर। इसी तरह सूबाई में भी 5 में से सिर्फ 2 सीटें ऐसी थी जिनके ऊपर कोई टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ा था मुस्लिम लीग नून के, वरना तो जो छोड़ने वाले थे वो यहाँ पर जो डेप्यूटी स्पीकर हुआ करते थे गोरचानी साहब, शेर अली गोरचानी साहब, वो भी कौमी असेंबली का इलेक्शन आजाद लड़े। बिल्कुल आखिरी वक्त उन्होंने मुस्लिम लीग नून का टिकट वापस कर दिया। तो उस जमाने में 2018 का जो सारा सिनेरियो था, और आप मेरे से तो बेहतर आप जानते हैं कि वो क्या सिनेरियो था। तो वो मेरा सवाल फिर दोबारा वापस में लेके आता हूँ कि आपको लगता है कि 2018 में जो हवा चलाई गई और जनूबी पंजाब का बनाकर एक तरफ भेजा गया, उससे कोई मुखालिफ सिमत में भी हवा चल सकती है इस बार जब कभी इलेक्शन होगा अगले छह देखिए, आठ ये तो महीने अभी में? बहुत अर्ली है। उसकी वजह कि जिस तरह आपने बताया ना 2018 में, तो ये तो इलेक्शन से 2 रातें पहले भी चीजें चेंज हो जाती हैं, वहां की डायनामिक्स कुछ इस तरह की है। लेकिन उसमें ये बात बाकायदा नोट करवाई गई थी मुस्लिम लीग नून के अंदरूनी हलकों में कि जी हम पे प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो इसलिए हम टिकटें सरेंडर कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद फिर हम आपके पास वापस आ जाएंगे। तो इस तरह की यकीन दहानियां कुछ करवाई गई थी, लेकिन हकीकत तो ये है कि टिकट जो है वो सरेंडर किए गए थे। तो इसलिए नेक्स्ट इलेक्शन तक जाना एक बड़ा, मेरा ख्याल, मुश्किल मरहला है, और उससे पहले चीजें काफी अच्छा चेंज होंगी। माजिद भाई, फिर अब मजारियों के बाद दूसरे ताकतवर लोग हैं वहां के दृशक्स। मैं जो कैंडिडेट के लिए 2018 की देख रहा था तो उसमें जो सूबाई असेंबली की सीटों पर भी दृशक ना सिर्फ जीते हुए हैं बहुत ज्यादा, बल्कि जो उनके मुकाबले वाले थे वो भी दृशक से, तो यानी कि वहां पर भी इंटर दृशक राइवलरी भी काफी चलती नजर आई हमें। तो आप उनको भी खड़ा देख रहे हैं, उनका एक बेटे जो है वो मुसलसल पंजाब के अंदर 4 साल वजीर रहे हैं, पहले भी रहे थे, अब दोबारा जो नई गवर्नमेंट आई है हसनैन बहादुर दृशक साहब जो है वो अभी भी वजीर है। तो शायद उनको आप देख रहे हैं कि वो इमरान खान साहब के साथ जब अगर मुश्किल वक्त आ रहा है फ्यूचर के अंदर, तो वो खड़े नजर आ रहे हैं आपको, तो यही के वो दोबारा वो भी चेंज कर लेंगे कुछ। जी, ये जो इंटर देशक राइवलरी है, ये भी इसी तरह, इसके भी मजारीज की तरह एक पूरी हिस्ट्री है। ये जो सरदार नसरुल्ला देशक हैं, इनके वालिद बहादुर खान देशक थे, तो वो और उनके मुकाबले पे सरदार रमजान देशक, वो उनकी एक राइवलरी थी। फिर ये नीचे नसरुल्ला देशक वर्सेज अमानुल्ला देशक की हो गई। लेकिन अब ये 2018 में जाके कुछ थोड़ा सा सेटल हुआ था, क्योंकि फारूक अमानुल्ला जो है वो भी पीटीआई में आ गए थे, जो अब इस टाइम एमपी हैं।
और वहां पे थोड़े से मसले हल हो गए थे, लेकिन अब वो इसको समझने की जरूरत इस तरह से है कि क्योंकि कबीला होता है, चार पांच नस्लों पहले तो वो एक ही लोग होते हैं, सारे भाई होते हैं, लेकिन जब वो जैसे जैसे भतीजे कजन आते हैं, जिस तरह हम इस टाइम चौधरी फैमिली के अंदर देख रहे हैं कि मसाइल शुरू हो गए हैं, तो इसी तरह फिर वहां पर राइवलरीज इंटर फैमिली भी स्टार्ट हो जाती हैं। तो अभी तक तो ये जो ग्रुप है ये पीटीआई के साथ इंटैक्ट है, और यहाँ पे मेरा ख्याल है कि इनको मुस्लिम लीग नून को थोड़ा सा वर्किंग करनी पड़ेगी। डॉक्टर हफीजुर रहमान दृशक वगैरह जो हैं वो ग्रुप अभी मुस्लिम लीग नून के साथ है, तो इन दृशक की और उनकी मेरा ख्याल है कि अभी तक की जो फाइट है उसके अंदर चांसेस नहीं है, क्योंकि अभी ऐसा नजर नहीं आता कि पीटीआई से कोई इनकी शिकायत पैदा हुई हो। हो सकता है क्योंकि इनकी जो नसरुल्ला दृशक है इनकी रिश्तेदारी चेयरमैन नैब से भी है, तो अगर वहां से कोई पीटीआई के ऊपर कुछ सख्ती आई तो हो सकता है फिर कोई तल्खी पैदा हो जाए। अच्छा जी, अब फिर तीसरी तरफ जाते हैं जी। तीसरे जो हैं वो जाफर खान लगारी साहब एमएनए हैं, NA 193 से ऑब्वियसली लगारी खानदान है। सूबाई पे इनके जो वहाँ पर हैं मोहसिन लगारी साहब, वो मुसलसल 4 साल वजीर रहे हैं, ताकतवर वजीर रहे पहले, और अब तो फिर खैर फाइनेंस मिनिस्टर हैं पंजाब के, तो ऑब्वियसली ताकतवर पोस्ट ही है। आप इनको भी कहीं ज़्यादा नहीं देख रहे, ये भी यहीं पीटीआई के साथ ही नजर आएंगे आपको। जी ये वो वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहाँ पे गोरचानीज ने एमएनए का इलेक्शन लड़ा था, तो यहाँ की राइवलरी जो है वो उससे पहले असल में होता यह था कि कई दफ़ा ये जो लगारी फैमिली है और दृशक फैमिली है ये आमने सामने आ जाते थे, लेकिन इस दफ़ा चूंकि राजनपुर की एक सीट भी बढ़ गई और पीटीआई का भी जादू चला हुआ था और कुछ राबते भी हो रहे थे, तो इसलिए फिर इनकी सेटलमेंट हो गई, तो इसलिए इन्होंने थोड़ा सा इस चीज़ को चेंज कर लिया, क्योंकि जब सबसे ज्यादा लड़ाइयाँ उस टाइम होती थी जब राजनपुर की एक सीट होती थी 1980 से लेकर, तो फिर 2002 में दो हो गई, तो फिर जरा पॉलिटिकल फैमिलीज थोड़ी सी एडजस्ट होना शुरू हो गई, तो एडजस्टमेंट सीट 18 के में ऊपर अब एडजस्टमेंट हो गई। क्या आप एमपीए बन जा रहे हैं, आप एमपीए बन जाएं, मैं एमएनए बन जाता हूं, आपस में लड़ाई नहीं करते, वोट मिला के जीत जाएंगे दोनों, इसी तरह की हो गया काम। तो ये 18 में तो सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि 18 में राजनपुर की तीन सीटें हो गई एमएलए की, एक सीट और इनको मिल गई, तो इसलिए वो सारी जो पॉलिटिकल फैमिलीज हैं वो समाओ कहीं ना कहीं एडजस्ट हो गई। तो अभी ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे भी ऐसा लगता है कि ये गोरचानी वर्सेस लगारी जो है यही कॉम्बिनेशन चलेगा, क्योंकि अभी तक गोरचानी फैमिली की पीएमएलएन के साथ कोई ऐसी नाराजगी नजर नहीं आती, और दूसरी तरफ जो जाफर लगारी हैं अगरचे उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो पार्टीज चेंज करने में खासी महारत रखते हैं और वो देख लेते हैं कि इलेक्शन से पहले क्या सीन चल रहा है, उसके अकॉर्डिंगली वो अपना फैसला कर लेते हैं, लेकिन जो अभी तक का मंजरनामा है उसमें यह है कि उन्हें कोई इस तरह की शिकायत नहीं है पीटीआई से, सो हमें इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगता है कि सिचुएशन जो है वो अभी तक के हालात के मुताबिक नॉर्मल रहेगी और कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर कोई इस तरह से अप एंड डाउन नहीं आएगा। अच्छा माजिद भाई, हमने अभी देखा जब ये सैलाब आए थे तो इसके अंदर ऑब्वियसली सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी वीडियोस भी वायरल हुई थी। एक वीडियो में हमने देखा कि जो मोहसिन लगारी साहब हैं उनको कुछ लोगों ने रोक लिया, और वो कह रहे हैं कि भाई हमें इमदाद नहीं मिली, और इसी तरह वो किसी एक बोर्ड पे गए हैं कहीं पे देने के लिए, तो वहां भी झगड़ा हो गया। तो सोशल मीडिया की दुनिया में तो इन बातों के ऊपर बहुत ज्यादा कोहराम बर्पा कर दिया जाता है और बड़ा उसको इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे शायद ये अवामी सतह पर इतना ज्यादा डैमेज नहीं करते इन इन चीजों को। जो लोग इतने सालों से सियासत में हैं वो कुछ ना कुछ तो कनेक्शन रखते ही हैं अपने अवाम के साथ, जिसकी वजह से लोग उनको बार दोबारा इलेक्ट कर लेते हैं। तो आपके ख्याल में भी ऐसा ही है? क्योंकि हम जो लोग यहाँ बैठे शहरों में सोचते हैं कि देखें जी इनकी अवाम तो इनसे कितनी नाराज हो गई है, ये देखें उन्होंने उनको बुरी बातें कह दी, ये देखें अब ये इलेक्ट नहीं हो सकते दोबारा, लेकिन जब इलेक्शन होता है तो ऑब्वियसली उससे बिल्कुल मुख्तलिफ रिजल्ट आ रहे होते हैं। इसकी वजह ये है कि शायद हम ये शहरों के अंदर बैठ के उन इलाकों की जो सियासत है या उन इलाकों का जो भी ओवरऑल सिचुएशन है उसको समझ ही नहीं पाते, और छोटे छोटे क्लिप्स के थ्रू अपनी जो भी हमारी सोच होती है उसको पेंट कर लेते हैं। जी ये खासा पेचीदा मसला इसलिए है कि सोशल मीडिया की बुनियाद पर रायामा की जो तश्कील होती है वो इंटरनेट तक खासी महदूद होती है, उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स है उसके अंदर अब क्योंकि नेशनल पॉलिटिक्स का असर और रसूख थोड़ा ज़्यादा हो गया पिछले 3-4 सालों में, उससे पहले तो धड़ेबंदियों में और ग्रुपिंग्स के अंदर काम चल जाता था, तो अब इसके अंदर 30-40% इवन 50% भी नेशनल पॉलिटिक्स जो है वो इन्वॉल्व हो गई है, तो इसलिए नेक्स्ट इलेक्शन में अब ट्रेंड्स हमें थोड़ा सा मुख्तलिफ देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि पहले कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स जो है वो बड़ी इंटैक्ट थी, लेकिन ये जो पिछले 3-4 साल के अंदर सियासी वाकयात हुए हैं उनसे ऐसा लग रहा है कि अब जो नेशनल पॉलिटिक्स है और जो कौमी मंजरनामा है
उसका शेयर बढ़ता जाएगा। तो नेक्स्ट इलेक्शन में हमें ऐसे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो नेशनल नैरेटिव की जो जंग है वो खासा किरदार अदा करेगी। और जहाँ तक ये बात है कि जी सरदार हैं और उनसे नाराज़गियाँ हैं, तो ये नाराज़गियाँ इस हद तक नहीं बढ़ती कि उसको वोट में कन्वर्ट किया जाए, क्योंकि वहाँ पे ये मसला भी होता है कि अगर आप एक पार्टी को या एक ग्रुप को छोड़ के दूसरी तरफ जा रहे हैं तो किस बुनियाद पे जा रहे हैं, हो सकता है उनकी उसी ग्रुप से पहले दुश्मनियाँ रही हैं और सियासी मुखालफतें रही हैं। तो इसलिए पार्टी चेंज करना तो बड़ा आसान होता है वहाँ पे, लेकिन अपना धड़ा या ग्रुप तब्दील करना खासा मुश्किल होता है। अच्छा माजिद भाई, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि ये जो सारे पीटीआई वाले राजनपुर के हैं माइनस द मजारीज का जो कौमी असम्बली की सीट है और एक सूबाई की है, वो शायद अभी पीटीआई के बारे में सोच विचार में हो, बाकी तो वहीं खड़े हैं। लेकिन अगर आज से हम 6 महीने पहले जाएं और प्री अप्रैल की जो ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था उससे पहले चले जाते हैं, तो आपके ख्याल में तब भी ये लोग यहीं खड़े थे या पक्के थे इमरान खान के अंदर, या तब इनके जहनों के अंदर ये बात आ रही थी कि हो सकता है भाई अगला इलेक्शन किसी और टिकट पर इलेक्शन लड़ना पड़ जाए? ये उस टाइम तो देखें जी, फ्रेंकली इमरान खान हुकूमत से खासी शिकायत पैदा हो गई थी, और चूंकि इनकी ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स बड़ी स्ट्रांग होती तो इनके सियासी रबते एक दूसरे से रहते हैं और सारी सियासी जमातों को ये इतना एतराज़ भी नहीं होता कि कोई उनकी तरफ आ जाए या उनकी तरफ से चला जाए। तो उस वक्त का सिनेरियो खासा मुख्तलिफ था। ये जो अभी आतिफ मजारी ग्रुप की जो शमूलियत हुई है तहरीक इंसाफ में, इससे लगता है कि वहाँ की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो चेंज इसलिए हुई है कि एक धड़ा दूसरी तरफ गया तो दूसरा धड़ा जो है वो इस तरफ आ गया। तो ये पॉलिटिकल ऑप्शंस जो हैं ये उसी वक्त बनती हैं जब किसी एक धड़े की किसी पॉलिटिकल पार्टी से नाराजी हो। तो ये इसको इसी तनाजुर में देखना चाहिए। उस टाइम जो सिचुएशन थी वो खासी मुख्तलिफ थी। मिसाल के तौर पर अगर पंजाब के अंदर अदम एतमाद का मामला ना होता तो दोस्त मजारी ग्रुप जो है वो इंटैक्ट रहना था तहरीक इंसाफ के अंदर, उसका कोई मसला नहीं था। लेकिन चूंकि वो एक क्रिएट हो गया, उससे फिर आतिफ मजारी ग्रुप ने फायदा उठाया और वो अपनी साइड चेंज करके दूसरी तरफ आ गए। वाजपेयी ये बताइएगा कि राजनपुर तो ऑब्वियसली एक साउथ पंजाब का हिस्सा था, वो तो जनूबी पंजाब महाज के लोग थे, ये सारे वापस हम हो गए, अब कोई चांस है इनका कि अगला इलेक्शन के लिए ये दोबारा से कोई सर उठा ले जनूबी पंजाब वाला जो महाज था और दोबारा से कहें कि भाई अब हमें मिला? क्योंकि मिला, आपके ख्याल में कुछ ऐसा मिला है उनको जो उनकी डिमांड्स थी जिसकी वजह से उन्होंने मुस्लिम इनमें से बेशतर अफराद ने मुस्लिम लीग नून छोड़ी और जाके पहले जनूबी पंजाब महाज बनाया, फिर पीटीआई के अंदर जम हो गए, तो वो जो डिमांड्स उनकी थी वो कहीं मैटर करती हैं इसका मत के नहीं की या कुछ हुआ या नहीं हुआ? और अगर नहीं हुआ तो फिर वो 2018 में भी फिर सियासी चाल थी कि एक सियासत से चाल चली जाए बस, ताकि लोगों को इकट्ठा कर लिया जाए एक पॉपुलर नारे के खिलाफ। जी ये सूरत हाल इसलिए भी खासी अहमियत की हामिल है क्योंकि हमें हर इलेक्शन के बाद ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ग्रुप में कहीं पे जाने का जो मकसद होता है वो अपने मुतालबात की मंजूरी नहीं होती, वो होता है पैकेज डील। प्रॉब्लम ये होता है कि हर कोई अपनी 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 कॉन्स्टिट्यूंसी से टिकट के लिए अप्लाई कर रहा होता है, किसी की सिफारिश चल जाती है किसी की नहीं चलती। तो जब आप एज ए ग्रुप शामिल होते हैं किसी भी नारे की बुनियाद पे, वो असली है या जाली है उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप एज ए ग्रुप शामिल होते हैं तो आपकी वो जो टिकट्स हैं वो इंटैक्ट हो जाती हैं। 2018 के अंदर इशू ये हुआ था कि एक तो मुस्लिम लीग नून के साथ ज़रा लग रहा था कि अब ये इलेक्शन अगला लूज कर जाएंगे, दूसरा ये कि जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो साउथ पंजाब में अपने कैंडिडेट्स को तैयार कर रहे थे, ऑन दी अदर हैंड शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो अपने उम्मीदवारों को तैयार कर रहे थे। तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं कौन से उम्मीदवारों की जो है वो जंग होगी। तो इसलिए साउथ पंजाब जो जनूबी मंजा जो महाज बना उसका एक मकसद तो ये था कि जिस मुस्लिम लीग नून के ऊपर सियासी तनकीद करके एक एग्जिट लिया जाए। उसका दूसरा मकसद ये था कि जो कुरैशी ग्रुप के टिकट होल्डर्स हैं उन सारे को की टिकटें काट के तो इनकी टिकटें सिक्योर की जाएं। इवन जो उस्मान बुजदार साहब की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके अंदर पहले पीटीआई के और उम्मीदवार थे, लेकिन चूंकि पैकेज डील हो गई तो इसलिए फिर उस्मान बुजदार का टिकट भी इंश्योर हो गया। तो मैं इसको इस नज़र से ज़्यादा देखता हूँ कि ये कोई सियासी मुतालबात की जंग नहीं होती, पैकेज डील इसलिए की जाती है कि जो टिकट्स हैं वो इंश्योर हो जाएं। थैंक यू सो मच माजिद भाई, थैंक यू सो मच आपका टाइम निकालने के लिए। नाजिन, जैसे कि माजिद भाई ने आपको बताया कि राजनपुर जो है अभी तक तो वो इमरान खान साहब के पास ही नजर आ रहा है, और ऑब्वियसली उन्होंने बताया कि 8-9 महीने हैं इलेक्शन में, तो जब तक इलेक्शन होता नहीं तब तक तो फैसला हो नहीं सकता। हमारा आज का प्रोग्राम यहीं पे खत्म होता है, नेक्स्ट वीक जब हम आएंगे तो जो बाई इलेक्शन 16 तारीख को होने उस पर प्रोग्राम करेंगे, अगर तब तक इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने
کوئی اسٹے وغیرہ دے کر وہ الیکشن رکوا نہ دیے. تو بس آج کے لیے اتنا ہی, مجھے حسن افتخار کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.